हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज चैप्टर नंबर 12 एंड टुडे हियर आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट रेशियो एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। सो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज रेशियो। स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ मेनी अ टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, Avni and Sari collected flowers for a scrap notebook. Avni collected 30 flowers and Sari collected 45 flowers. So, we may say that Sari collected 45 minus 30, that is equal to 15 flowers more than Avni. अगर हम बात करें सारी की, तो सारी ने अवनी से 15 फ्लावर्स ज्यादा कलेक्ट किया है। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन। इफ द हाइट ऑफ रहीम इज 150 सेंटीमीटर एंड रहीम की हाइट 150 सेंटीमीटर है एंड द हाइट ऑफ अवनी इज 140 सेंटीमीटर, देन वी मे से दैट द हाइट ऑफ रहीम इज 150 माइनस 140, दैट इज 10 सेंटीमीटर मोर देन अवनी। दिस इज वन वे ऑफ कंपेयरिंग बाय टेकिंग डिफरेंस। तो हम किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को, टू पर्सन्स को या टू नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग, बट इफ वी विश टू कंपेयर द लेंथ ऑफ एन एंट एंड अ ग्रॉस हॉपर, टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपेरिजन। बाय बिकॉज द ग्रास हॉपर्स लेंथ टिपिकली 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, इट इज टू लॉन्ग एज कंपेयर्ड टू द एंट्स लेंथ विच इज अ फ्यू मिलीमीटर। कंपेरिजन विल बी बेटर इफ वी ट्राई टू फाइंड दैट हाउ मेनी एंट्स कैन बी प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर टू मैच द लेंथ ऑफ द ग्रास हॉपर। सो वी कैन से दैट 20 टू 30 एंट्स have the same length as a grasshopper. Consider another example. Cost of a car is rupees 2,50,000 and that of a motorbike is rupees 50,000. If we calculate the difference between the costs, then the difference is 2,50,000 minus 50,000 and it will be 2 lakh. If we want to compare the cost of a car and the cost of a motorbike by division, then how we will do? 2,50,000 upon 50,000. Yahan 3,0,3,0 cancel, 0,0 cancel, 5,1,5 and 5,5,25. It is equal to 5 upon 1. So we can say that the cost of the car is 5 times the cost of motorbike. Thus, in certain situations, comparison by division makes better sense than comparison by taking the difference. The comparison by division is the ratio. So, students, let us see some questions based on ratio. The first question is, Isa's weight is 25 kg and her father's weight is 75 kg. How many times father's weight is of Isa's weight? Isa ka jo weight hai wo 25 kg hai aur jo uske father ka weight hai wo 75 kg hai. The question is saying that how many times father's weight is of Isa's weight? Jo Isa ke father ka weight hai wo Isa ke weight ka kitna time hai? To dekhiye aap kaise find out kar sakte ho? By taking the ratio of father's weight to Isa's weight. Father का weight है 75 और Isa का weight है 25. Simplify कर दो, 25 + 25, 25 + 3 = 75, 3/1. It means we can say that Isa's father weight is 3 times the Isa's weight. The second question is, cost of a pen is rupees 10 and cost of a pencil is rupees 2. How many times the cost of a pencil is the cost of a pen?
तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2। देन क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। इट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ पेन इज 10 एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 2। वी विल सिंप्लीफाई इट, 2 1 2, 2 5 10, 5 upon 1। सो वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 times द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। सो स्टूडेंट्स, इन द अबव एग्जाम्पल्स वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। दिस कंपेरिजन इज नोन एज द रेशियो। वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल दिस। अगर आपको ये सिंबल दिख जाए तो ये किस चीज का सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो। द थर्ड क्वेश्चन इज, इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, वी विल राइट द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एट फर्स्ट वी विल राइट नंबर ऑफ गर्ल्स, दिस इज गिवेन इन क्वेश्चन, इट इज 40। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 60। सो वी विल राइट हियर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स आर 40 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। वी विल सिंप्लीफाई इट, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 upon 3। इसको हम राइट करेंगे 2:3। देन सेकेंड ऑप्शन इज नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वी नो दैट नंबर ऑफ बॉयज इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव फाउंड इट, इट इज 20 + 40, दैट इज 60। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 20 हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आ गया 1 upon 3, और हम इसको राइट कर सकते हैं 1:3। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। हियर योर क्लास वर्क इज गिवेन, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड आफ्टर दैट सॉल्व योर क्वेश्चंस, एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।